अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे थे यहाँ पे वड़ा पाव और मिर्ची का भजिया। तो अगर आप ये आपके इफ्तार में शामिल करेंगे तो आपकी तारीफ तो पक्की है, उसके साथ साथ एक ही बैटर से आपकी दोनों चीज़ बन जाएगी, जो कि बहुत कम टाइम होगा बनाने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ऊपर के लिए कोट करना है बेसन का, हम वो मिक्सचर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था, उसमें मैंने शामिल कर दिया था टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा अजवाइन। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे सोडा का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, बिकॉज विदाउट सोडा ये बहुत अच्छा बनेगा। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा बैटर है वो ज़्यादा पतला ना हो, थोड़ा सा थिक रहे, जिस तरह आपने भी देखा। अब यहाँ पे पोटैटो मैंने बॉईल कर लिया था, अब उसे मैंने मैश कर दिया है हाथों से ही। और यहाँ पे मैं कट करने लगी थी मिर्ची, मिर्चों के बीज मैंने बीच में से निकाल दिए थे बिकॉज ये बहुत स्पाइसी थे। तो बस मिर्चे की जितनी बीज थी मैंने उसे निकाल दिया। बट आप ध्यान रखें, हाथ में ग्लव्स या कुछ पहन लें, बिकॉज़ ये करने के बाद मेरे थंब में बहुत पेन हो रहा था, जल रहा था पूरा थंब। तो यहाँ पे मैं एक वड़ा पाव के लिए, जो वड़ा बनाएंगे हम उसके लिए एक मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लहसुन, अदरक, मिर्चा, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था और थोड़ा दरदरा ही रखना है। उसके बाद एक पैन लेना है, उसमें सरसों डालना है, थोड़ा सा जीरा डालना है, कड़ी पत्ता डालना है और जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और मिर्चे का वो ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से भून लेना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है टर्मेरिक और इसे भी थोड़ा भून लेना है। उसके बाद जो हमारा बॉइल पोटैटो था हम उसे ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। उसके बाद जो वड़ा पाव का मिक्सचर था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। बस अभी से अच्छे तरीके से चलाने के बाद इसमें खूब सारा धनिया डाल देना है, फ्रेश कोरिएंडर, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना हुआ था, बिल्कुल ही जो स्ट्रीट साइड पे मिलता है वड़ा पाव उसकी तरह ही। और फिर बस हमें इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब हाथों में थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और वड़े का शेप देते जाएंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे वड़ा का मैंने शेप दे दिया था, पहले मैं पूरे वड़े जितने हैं उनका शेप दे दूँगी, उसके बाद इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं वड़े का शेप देते जा रही थी। ये बहुत लाइट और बहुत टेस्टी था। और यहाँ पर जो स्टफिंग बची थी, सेम स्टफिंग मैंने यूज़ किया था, जो मिर्ची में वही मिर्ची में मैंने फिल कर दिया था। और ये भी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। आप ज़रूर आज ही आपके इफ्तार में शामिल करें और ढेर सारी तारीफ़ें पाएं। बहुत यम्मी और बहुत जायके की रेसिपी थी ये। तो बस हमें जितनी मिर्चियाँ थी उसे भी अच्छे तरीके से फिल कर लेना है और इन सभी चीज़ों को साइड में रख देना है। उसके बाद हम फ्राई का काम करेंगे। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जो वड़ा पाव में रेड चटनी देते हैं ना, जो रेड मसाला देते हैं लहसुन का, वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो एकदम बाहर जैसा ही वड़ा पाव बना हुआ था। तो वो रेसिपी भी देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे मिर्चे भी फिल हो गए थे, वड़ा भी रेडी हो गया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एक वो जो वड़ा था उसका स्टफ लेके उसे बेसन की कोट करते हुए यहाँ पे मैं फ्राई करते जा रही थी। बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से ये बनते जा रहा था। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमने कोई सोडा का यूज़ नहीं किया था। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप बैटर बनाते हो तो उसमें ही थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। बेसन को हमें अच्छे तरीके से फेंटते जाना है ताकि हमें सोडा का कोई यूज़ ना करना पड़े। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वड़ा था वो रेडी हो गया है। अब उसे यहाँ पर निकाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारे मिर्ची के भजिए थे उन्हें भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो मिर्ची का जो भजिया था उसे भी मैंने सेम बेसन में डिप करके यहाँ पर फ्राई करते गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया था, फ्राई हो गया था, उसे भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर और बस इसकी अब प्लेटिंग करेंगे। बट प्लेटिंग से पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैं आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी, जो हम बाहर वड़ा पाव खाते हैं, जो हमें रेड चटनी दी जाती है ना लहसुन की, उसकी। तो जो बेसन बचा हुआ था मैंने उसे सेम में थोड़ा सा बैटर डाल के उसे अच्छे तरीके से ऐसे पकौड़ा बना लिया क्रिस्पी सा, और फिर थोड़ा सा लहसुन ले लिया था उसे भी सेम उसी पैन में मैंने फ्राई कर लिया। और इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर में ऐड कर देना है और रेड चिली पाउडर डाल देना है। और यहाँ हमारा क्विक सा इजी, एकदम आसान तरीके से चटनी भी रेडी हो गया था। ये चटनी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी लगती है, इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही थी। उसके लिए आपको ये रेसिपी बनानी पड़ेगी। और बस यहाँ पे जो चटनी थी रेड वाली सूखी
उसे हमने पाँव के ऊपर स्प्रेड कर दिया और यहाँ पे वड़ा भी रख दिया था। ये विथआउट ग्रीन चटनी ही इतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज ये जो चटनी हमने बनाई थी रेड वाली वो बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी थी। तो आज ही बनाएं आपके इफ्तार में ये रेसिपी और बहुत सारी तारीफें बटोर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।